ओके गाइस, सो दिस इज रितेश पाटी एंड दिस इज एडिटोरियल वीडियो ऑफ क्वेश्चन बी. फाइंड द स्क्रूज कोड फोर्सेस राउंड 689 डिवीजन 2. ओके, सो बिफोर दिस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और वीडियो अगर पसंद आए तो थम्स अप बटन. ओके, सो व्हाट वी आर हैविंग इज, हमारे पास एक एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स है. उस एन क्रॉस एम की मैट्रिक्स में कुछ कैरेक्टर्स तो हमारे स्टार्स हैं और कुछ डॉट्स हैं. ओके फाइन. नाउ इन हमें क्या बताना है, हमें टोटल टू फाइंड एवरी स्क्रूज. फर्स्ट व्हाट इज स्क्रूज इज द मैट्रिक. पहले इसने ये बताया कि एक स्क्रूज क्या होता है. ठीक है, स्क्रूज कुछ ऐसा होता है. आप लेडर्स देख रहे होगे, ठीक है, बोथ साइड लेडर्स जैसा एक शेप होना चाहिए, जिसमें पहला ब्लॉक सबसे ऊपर वाला 1, नेक्स्ट लेयर उसकी 3 की, देन नेक्स्ट लेयर 5 की. ठीक है, और या फिर अगर हाइट उसकी 2 है तो फर्स्ट लेयर 1 की, सेकंड लेयर 3 की. अगर हाइट 1 है तो नॉर्मल 1. ठीक है, अब इफ हाइट 3 है तो ऐसा नहीं माना जाएगा, मतलब बोथ साइड होनी चाहिए. ठीक है, तो कुछ ऐसी ही होनी चाहिए हाइट में, 1, 3, 5. ठीक है फाइन. तो हमें ये बताना है नंबर ऑफ स्क्रूज, नंबर ऑफ स्क्रूसेस इन द मैट्रिक्स. ओके फाइन, सो वी आर हैविंग समथिंग लाइक दिस. अब स्क्रूज कैसे हम फाइंड करेंगे. पहली बात तो हर एक मैट्रिक्स है अगर, ठीक है, फर्स्ट केस क्या होगा, हर एक मैट्रिक्स में जहां पर भी एक स्टार मिलेगा वो खुद से एक सिंगल स्क्रूज बनाएगा. ठीक है, ऐसा करके कुछ, ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस है. ठीक है, कि ऐसा एक करके कुछ एक स्क्रूज बनाएगा. अब अगर उसकी हाइट 2 हुई, ठीक है, 1 के नीचे अगर उसे 3 स्टार्स और मिल रहे हैं, तो वो टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज कितने बनाएगा, एक तो वो सिंगल खुद का और एक 2 हाइट का स्क्रूज. ठीक है, 1 और नीचे 3. ठीक है, अगर उसकी हाइट 3 हुई तो वो 3 स्क्रूजेस बनाएगा, एक अकेला सिंगल सेल. ठीक है, एक खाली ये सेल 3 स्क्रूज बनाएगा, एक 1 हाइट का, एक 2 हाइट का, एक 3 हाइट का. ठीक है, सिमिलरली अगर हाइट k हुई तो टोटल k स्क्रूज बनाएगा, एक सिंगल शेल टोटल k स्क्रूज बनाएगा अगर हाइट k हुई. ठीक है, हमें टोटल नंबर ऑफ स्क्रूज बताने हैं. तो यहां से कुछ समझ में आया होगा कि हमें क्या फाइंड करना है, हर शेल की हाइट फाइंड करनी है. ठीक है, और हर शेल की हाइट फाइंड करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, उन सबका सम निकालना है. अब मेन बात आई कि हम हर शेल की हाइट कैसे फाइंड करेंगे. मान लो हम किसी शेल आई पे हैं, आई जे पे हैं. ठीक है, अब आई जे के नीचे तुम्हें उसके नीचे 3 शेल्स और चाहिए स्टार के, फिर 5 चाहिए, फिर 7 चाहिए, तो ये कैसे चेक करोगे. तो इसके लिए एक सिंगल लूप तो तुम लगा सकते हो, कॉम्प्लेक्सिटी तुम कितनी कर सकते हो. एक तो तुम्हें हर शेल में इटरेट करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई n क्रॉस m. ठीक है, फिर हर सिंगल शेल के लिए तुम्हें पहली बात तो उसकी हाइट में इटरेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, n. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सिटी हो गई कुछ तुम्हारी n क्रॉस m क्रॉस n. ठीक है, जब तुम उसकी हाइट में इटरेट करोगे, ऑब्वियसली तुम जब जैसे इस शेल के लिए तुम चेक करोगे नीचे है कि नहीं है, उसके नीचे है कि नहीं है, उसके नीचे है कि नहीं, तो ये तो चेक करना पड़ेगा ऑब्वियसली. ठीक है, तुम इसको स्टोर नहीं करवा सकते, करवा सकते हो तो मुझे भी एक मेथड बता दो. फाइन फाइन, तो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी अभी तक हो गई हमारी एन स्क्वायर एम. ठीक है, इससे ज्यादा हम अफोर्ड कर सकते हैं क्या, देखो एन स्क्वायर एम हो गया ऑलमोस्ट 10^6, तो इससे ज्यादा हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते. फाइन, तो अब उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, अब हमें O of 1 में पता करना है कि किसी भी शेल में. ठीक है, तुम मान लो हाइट 1 तो तुम चेक कर लोगे सिंपली ये, ठीक है, कि ये स्टार है कि नहीं. हाइट 2 के लिए तुम क्या चेक करोगे, तुम्हें ये पता करना है कि ये 3 स्टार है कि नहीं, और इस हाइट पे 5 स्टार है कि नहीं. ये कैसे चेक करोगे, इसमें तुम कुछ एक प्रीफिक्स टाइप का बना सकते हो, प्रीफिक्स एरे टाइप या फिर सफिक्स एरे टाइप. व्हाट आई हैव डन इज, मैंने क्या किया, एक n क्रॉस m की एक दूसरी एरे बनाई. ठीक है, ये n क्रॉस m की एक दूसरी एरे बना ली मैंने.
ठीक है, मान लो m इज इक्वल्स टू 4 है और n इज इक्वल्स टू भी 4 है, ठीक है। अब यहां पे मान लो हमें हर रो में चेक करना है कि 3 स्टार है कि नहीं है, या 5 स्टार है कि नहीं है, या फिर 7 है या नहीं है, 9 या नहीं है, ठीक है। तो हम वो कैसे चेक कर सकते हैं? हम मान लो अगर हमारे पास, मैं थोड़ा और बड़ा बनाता हूँ अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। अब मान लो अगर हमारे पास कुछ ये है, ठीक है, और हमें इस रो में चेक करना है 3 स्टार्स है कि नहीं है। 3 स्टार्स कहाँ से शुरू होने चाहिए? मान लो यहां से, ठीक है, यहां से शुरू होके यहां पे एंड होंगे, इट इज ऑब्वियस, ओके। ये तीनों स्टार है कि नहीं है, तो ये तुम कैसे चेक कर सकते हो? बहुत सारे मेथड्स हैं। वन सिंपल मेथड इज कि तुम इन सबको एक वैल्यू दे दो। क्या करो, एक x इज इक्वल्स टू 1 वैल्यू बना लो, ठीक है, फाइन। अब इस रो में इटरेट करो, ठीक है, इसको वैल्यू 1 दे दो। अगर ये तीनों स्टार होंगे, ठीक है, अगर ये इनिशियली तीनों स्टार होंगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, फाइन। फिर अगर ये डॉट है तुम्हारा, ठीक है, अगर ये डॉट है तो तुम सिंपली क्या करो, यहां पर एक वैल्यू एक्स की इंक्रीज कर दो। अब तुम्हारी एक्स की वैल्यू हो गई 2, ठीक है, अब एक्स की वैल्यू हो गई 2। अब फिर से कहीं अगर तुम्हें स्टार मिले, ठीक है, मान लो फिर से यहां से फिर से एक स्टार बनना शुरू हो गया, और ये फिर से यहां पे स्टार है, ठीक है, ये भी स्टार है, ये भी स्टार है, ठीक है। तो यहां पे वैल्यू तुम क्या देते जाओगे? इन सबको वैल्यू दे देना 2, ठीक है। सिंपल है, तुम इसको कई तरीके से कर सकते हो। अब क्या है, अब अगर तुम इस शेल के लिए हाइट चेक कर रहे हो, ठीक है, मान लो कि ये जो शेल है तुम इसके लिए हाइट चेक कर रहे हो, तुम नीचे वाली रो पे आए, नीचे वाली रो पे तुम्हारे पास इसकी वैल्यू है, ठीक है। तुम्हें ये चेक करना है कि तुम्हारा लेफ्ट और राइट में तुम्हारी जो लेंथ है वो 3 है कि नहीं है इसकी। तो तुम सिंपली क्या चेक करोगे, इसके कॉर्नर शेल्स चेक कर लोगे, ये और ये अगर इक्वल हुए, इट मींस कि ये कंटिन्यूअस सीक्वेंस है जिसमें सारे में स्टार्स 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 हैं, ठीक है। और अगर ये और ये इक्वल नहीं है जो इसके कॉर्नर शेल्स हैं, इट मींस कि ये कंटिन्यूअस नहीं है और बीच में कहीं पे डॉट्स आ गए, ठीक है। तो मैंने ऐसे चेक किया था, इसका सिंपली कोड दिखा देता हूं। ये मैंने दो एरे लिए, एक ए और बी। ए में मैंने अपना नॉर्मल इनपुट ले लिया और बी में मैंने सारे वैल्यूज 0 इनिशियली कर दी, ठीक है। फिर मैंने इटरेट किया और हर रो में ऑपरेशन कर रहा हूं। क्या ऑपरेशन? कुछ प्रीफिक्स एरे जैसा बनाने का, ताकि मैं हर रो पे हाइट बढ़ा सकते कि नहीं चेक कर पाऊँ, ठीक है। तो मैंने हर रो के लिए 1 से इनिशियलाइज कर दिया एक्स, और जैसे ही मुझे स्टार मिला तो मैंने उस पे एक्स भर दिया, और जैसे ही एक स्टार के बाद जैसे ही एक डॉट आता है, ठीक है, तो वहां पर मुझे क्या करना है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज करनी है, मैंने वो भी कर दी, ठीक है। अब हमारे पास एक एरे बी मिल गई जिससे हम अपनी हाइट चेक करेंगे। फिर आंसर लिया, ये मैंने हर शेल पे इटरेट कर लिया यहां तक, ठीक है, यहां तक मैंने हर शेल पे इटरेट कर लिया। अब जब भी मुझे एक कैरेक्टर मिला ए आई जे स्टार, अब मुझे यहां से हाइट चेक करनी है, ठीक है, इस शेल की कितनी हाइट होगी, जितनी भी हाइट होगी हम आंसर में उतना प्लस कर देंगे। तो अगर हाइट 1 से इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये एक हाइट तो मिनिमम होगी होगी। फिर हमने क्या किया, उस कॉलम पे इटरेट कर लिया। कॉलम पे इटरेट करने के लिए सिंपली वो शेल खुद स्टार होना चाहिए, उसका जो लेफ्ट कॉर्नर है और राइट कॉर्नर है वो इक्वल होना चाहिए, और वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 0 हुआ मतलब कि वो डॉट है, ठीक है, प्लस ये ओवरफ्लो की कंडीशन कि तुम्हारे जो शेल है वो तुम्हारे एरे में होने चाहिए। अगर हो रहे हैं तो तुम सिंपली क्या करोगे, हाइट में प्लस कर दोगे और के में भी प्लस कर दोगे। के में प्लस क्यों? क्योंकि तुम अगर एक रो पे 3 चेक कर रहे हो तो अगली रो पे तुम्हें 5 चेक करना है, फिर 7 चेक करना है, इसलिए, ठीक है।
सिंपली आंसर आउटपुट। ठीक है, सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द थम्स अप बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल बी पोस्टिंग ए ट्यूटोरियल ऑफ सी ऑल्सो और डी में भी। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।